नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों ये टनल श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे पर बनने जा रहा है। नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट ऊंचाई पर बन रहे इस टनल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। टनल बनने के बाद ये एशिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बन जाएगी। इस टनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 6,800 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस टनल से बनते ही श्रीनगर से ले जाने में लगने वाले 3.5 घंटे का सफर घटकर महज 15 मिनट का हो जाएगा। इस टनल से लद्दाख और कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा, कम टाइम में लोग आ जा सकेंगे, व्यापार बढ़ेगा और साथ में लद्दाख में चीन और कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा तक सैनिकों के पहुंचने के लिए यह टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सितंबर 2017 में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 15 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, जिसमें से 81% प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 88,000 करोड़ रुपीस का कर्ज जापान देगा। इस कर्ज पर ब्याज सिर्फ 0.1% का होगा, जिसे 50 सालों में भारत को चुकाना होगा। बुलेट ट्रेन के लिए 508 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल लाइन ट्रैक बनाया जा रहा है और साथ में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए वडोदरा में 4,000 लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 24 ट्रेन भी देगा, जबकि बाकी की ट्रेन भारत खुद से बनाएगा। बुलेट ट्रेन की कॉस्ट प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है, इसके लिए भारत को अलग से पैसा नहीं देना होगा। ये बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में तय कर लेगी। अभी की बात करें तो इतनी डिस्टेंस के लिए भारत में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने की डेट 2023 बताई जा रही है। जुलाई 2020 तक 60% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअल में बुलेट ट्रेन का काम 2019 में ही स्टार्ट हो जाता, पर महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2019 से ही होल्ड करके रखा हुआ है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 22% लैंड महाराष्ट्र में, तो यही काम अटका हुआ है, बाकी सब जगह काम चालू हो चुका है। भारत न केवल नई योजनाओं को पूरा कर रहा है, बल्कि इन योजनाओं से दुनिया में नाम भी कमा रहा है और उसी का एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इस पुल के तैयार होने के बाद भारत ऊंचे पुल के निर्माण में चीन को काफी पीछे छोड़ देगा। ये पुल जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा। ये ब्रिज एक आर्क ब्रिज है जिसको स्टील और कंक्रीट से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की लेंथ 1.3 किलोमीटर है और इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर अबव द रिवर बेड, मतलब पानी से 359 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ये पुल हर महीने में विश्व इंजीनियरिंग की मिसाल होगा और इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी और इस पुल पर 100 किलोमीटर की गति से ट्रेन दौड़ सकेगी। इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत 2004 में हुई थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि 2007 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और तब से ये प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डिले होने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि प्रॉपर सिक्योरिटी ना होना, फंड की कमी होना, क्लाइमेट इशू होना, प्रॉपर डिजाइन ना बनना और कुछ कोर्ट केसेस भी शामिल हैं। अब तक ब्रिज का 83% वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ब्रिज 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज की कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ रुपए है। ये ब्रिज हिमालयन रीजन में बनाया जा रहा है, तो क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए इस ब्रिज में ज्यादा से ज्यादा स्टील का यूज हो रहा है, ताकि ये ब्रिज -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी टिका रहे, 260 किलोमीटर की हवा तक को आराम से झेल सके और 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को आराम से झेल सके। इस ब्रिज में लगभग 24,000 टन स्टील का यूज हो रहा है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका मेन एम भारत की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना है। ये कॉरिडोर अपने रास्ते में पड़ने वाले 6 राज्य यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को कवर करेगा। ये कॉरिडोर लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट में 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिकल हब बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 2006 में हुई थी और इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ जापान भी दे रहा है। एक्चुअल में 2008 में जब चीन बीजिंग ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, तब उसे आयरन ओर कच्चा लोहा की जरूरत पड़ी। उस समय चीन को आयरन ओर जापान उपलब्ध करा रहा था, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से जापान भारत से भी कच्चा लोहा खरीद रहा था। लोहे को जमीन के रास्ते भारत के दक्षिण इलाके से चीन तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था ना होने के कारण जापान के बिजनेस पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ रहा था।
इसी के बाद जापान ने भारत के साथ हाथ मिलाकर इस कॉरिडोर को बनाने की हामी भरी थी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 बिलियन डॉलर्स की है, जिसके तहत जापान और भारत बराबर का खर्चा साझा करेंगे। जापान सरकार इस प्रोजेक्ट में 0.1% की इंटरेस्ट रेट से पैसा लगा रही है। इस लोन की अवधि 40 साल रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज के कम्प्लीट करने की डेट 2025 रखी गई है, सेकेंड फेज की डेट 2032 और तीसरे और फाइनल फेज की डेट 2037 रखी गई है। आप सोच रहे होंगे कि 2006 का प्रोजेक्ट है, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट 2008 के बीजिंग ओलंपिक के बाद होल्ड में चला गया था। साल 2018 में मोदी सरकार ने इसे फिर से चालू किया है। इस कॉरिडोर के बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र को होगा। एक ओर जहां कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, वहीं दूसरी ओर फ्रेट चार्जेस में भी कमी आएगी। एक स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है? जहां 24 घंटे पानी हो, बिजली हो, वाईफाई हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे रोड्स हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा ट्रैफिक सिस्टम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे इंडस्ट्रीज हो, सिक्योरिटी हो, गुड एनवायरनमेंट हो, खेलने कूदने की सुविधा हो और सब लोगों के पास काम हो। एक शहर जो खुद की सभी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बहुत से लोगों को ये एक कल्पना सी लगती है, पर अब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। कुछ सालों में आपको ऐसी स्मार्ट सिटीज भारत में भी देखने को मिलेगी। उन्हीं स्मार्ट सिटी में आज मैं आपको भारत की बहुत फेमस और आप बोल सकते हैं कि भारत में बनने जा रही पहली स्मार्ट सिटी ढोलेरा के बारे में बताता हूँ। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, वो कॉमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी भी है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की सोच 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में रखी गई थी, फिर 2011 में इसे लॉन्च किया गया। ढोलेरा SIR प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 12 बिलियन डॉलर बताई जा रही है और सरकार ने अब तक इसमें 600 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। और अब इस प्रोजेक्ट को DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया गया। 2014 में इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई थी, फिर 2015 में फार्मर ने गवर्नमेंट पे लैंड एक्विजिशन का केस कर दिया, फिर दिसंबर 2015 में हाईकोर्ट ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को रोक दिया। तो इस समय गवर्नमेंट के पास सिर्फ 22.5 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड है, उसी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया है और हर फेज को कंप्लीट करने के लिए 10 साल का टाइम दिया गया। फेज 1 में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट करने का टारगेट 2022-23 तक रखा गया है। फेज 2 के कंप्लीट करने का टारगेट 2030 रखा गया है और पूरी ढोलेरा सिटी के प्रोजेक्ट को 2040 तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। पर जिस हिसाब से काम हो रहा है, शायद ढोलेरा सिटी जल्दी बनके तैयार हो जाए। आप ये मत सोचिए कि 2040 के बाद से वहां लोग रहेंगे या काम करेंगे। जैसे ही फेज 1 का काम कंप्लीट होगा, कंपनीज वहां अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना स्टार्ट कर देंगी। इतना टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसका डेवलपमेंट एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर का है। ढोलेरा शंघाई से 6 गुना बड़ा है, दिल्ली से 2 गुना और सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के रोड्स एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5.35 लाख करोड़ लगभग 75 बिलियन डॉलर्स है। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला लिया है। भारतमाला पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू होगा, इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम से भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़क बनाई जाएगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिलों से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 34 जिलों में सड़कों में लेन बनाई जाएगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 700 जगह पर सड़क किनारे यात्री सुविधाओं का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 6 नए नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साल 2017 में NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पेंडिंग प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। NHDP की नींव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत देश भर में 48,793 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें से 28,915 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, 10,574 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में और बाकी के 9,304 किलोमीटर पेंडिंग कंस्ट्रक्शन को 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने की डेट दिसंबर 2022 रखी गई थी, पर रेटिंग एजेंसी ICRA इकरा ने 10 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना के कारण भारतमाला प्रोजेक्ट 2025-26 तक कंप्लीट हो पाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की नींव 2015 में रखी गई थी, जिसका मेन एम भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट बनाना है।
जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो कर सके। भारत 90% ट्रेड पोर्ट के जरिए करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इस समय 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, तो इस बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार इस प्रोजेक्ट से न्यू पोर्ट बनवाने जा रही है। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को डेवलप करने का है। इसके तहत पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाएगा, साथ में उनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा। एक अनुमान लगाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही सरकार को सालाना 40,000 करोड़ की बचत होगी। सागरमाला प्रोग्राम में 577 प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया और इस प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट 140 बिलियन डॉलर्स की है और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की डेट 2035 रखी गई है। अच्छी बात यह है कि 577 प्रोजेक्ट्स में से 492 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट स्टेज में है, बाकी के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड अरेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने में मजा आता है तो आप रोजधन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रोजधन ऐप इंडियन ऐप है। आप इसमें न्यूज आर्टिकल पढ़ के, वीडियोस देख के, गेम खेल के और भी बहुत से तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और फिर आप अपने पैसों को पेटीएम के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपये मिलेंगे, फिर उसके बाद आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं तो आपको 25 रुपये और मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड की लिंक और रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।